ये सब कब हुआ? समुद्र मंथन के बाद सब हुआ ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरीके से बलि महाराज नीचे चले गए, भगवान ने सारा राज्य जो दान में लिया था वो देवताओं को वापस देके और इंद्र को पुनः राजा स्थापित किया, और माता दीति को जो वचन दिया था वो भगवान ने वामन देव ने भगवान वामन देव की। ये बात कौन सी बात? वामन देव नहीं, इससे पहले एक जो बात हुई कि भगवान ने मोहिनी मूर्ति का रूप रख के सारे असुरों को भ्रमित कर दिया, ये बात पता चली किसको? शंकर जी को। तो शंकर जी के मन में विचार आया, यार ये तो मैंने भगवान के सब अवतारों के दर्शन किए, भगवान ने ये अवतार मुझे क्यों नहीं दिखाया? सब अवतारों के मैं दर्शन करता हूं और मुझे ही नहीं दिखाया ये अवतार, देखना चाहिए। होता नहीं सर इच्छा, शंकर जी की इच्छा होगी ये अवतार भी मैं देखूंगा। तो भगवान से उन्होंने विनती करी कि भगवान ये अवतार आपने मुझे नहीं दिखाया, ये भी दिखाना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं देखो शंकर जी ये अवतार मत देखो। क्यों? बोले मान लो आप भ्रमित हो गए तो? बोले अरे मैं आप ऐसे कैसे बात तो भगवान कहते हैं कि ये तो मैंने असुरों को भ्रमित करने के लिए किया था, तो आप मत देखो। पर वो कहते नहीं हम तो देखेंगे। तो भगवान कहते हैं देखो अगर आपने मोहिनी मूर्ति का अवतार देखा और आप भ्रमित हुए, कुछ गड़बड़ हुआ, मुझे दोष मत देना। नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे उन्होंने भगवान से डील कर लिया, लेकिन इस समय उन्होंने पार्वती जी से नहीं पूछा। जबकि पहले समुद्र मंथन में जब विष निकला तो भगवान ने पार्वती जी से पहले पूछ लिया था कि देवी पीऊं कि नहीं। आजकल लोग नहीं पूछते पीऊं कि नहीं, पी के आ जाते हैं तो सुनना पड़ता है, इसलिए भगवान शंकर ने पहले ही पूछ लिया पीऊं या नहीं। भगवान माता पार्वती तो जानती थी भगवान शंकर की महिमा, तो उनका पी लो। तो यहाँ भगवान ने कहा ठीक है आपको हम मोहिनी मूर्ति का रूप दिखा देंगे, और ऐसा कहके भगवान चले गए। भगवान चले गए, शंकर जी अपना वहीं थे। तो कुछ समय बाद शंकर जी ने देखा कि एक बहुत सुंदर लड़की और गेंद खेलती हुई, ऐसे से गेंद का खेल बहुत पहले से चल रहा है, गेंद खेल सब गड़बड़ करा रहा है, गेंद के बगीचे से। अब शंकर जी ने उसको देखा तो बहुत सुंदर थी, तो शंकर जी ने और देखा तो ऐसे उसी की तरफ जाने लगे, और पार्वती जी भी थी वहां पे। फिर भी शंकर जी इतना ज्यादा आकर्षित हुए कि बिल्कुल सुंदरता से खींचे जा रहे थे, और वो गेंद खेलती थी तो उसके कपड़े भी इधर उधर हो रहे थे। फिर भगवान ने, अब वो थे कौन? भगवान कृष्ण, मोहिनी मूर्ति भगवान ही थे। तो इन्होंने, अब भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया, हवा भी चली तो उसके कपड़े और इधर उधर हो गए। अब वो तो भगवान शंकर इतने ज्यादा आकर्षित हुए कि वो मोहिनी मूर्ति को जाके उन्होंने पकड़ लिया, और वो कैसे भी करके छुड़ा के भागी। वो भागी तो ये भी उसके पीछे पीछे भागे। अब वो भागी किस रास्ते से? जिस रास्ते में सारे ऋषियों के आश्रम होते थे, ऋषि मुनि जो भी शंकर जी के फॉलोअर थे उन्हीं के रास्ते से वो दौड़ी। तो सब देख रहे थे कि हम जिनका फॉलो करते वो कैसे भाग रहे हैं, है ना। तो उन्हीं रास्ते से वो भागी जानबूझ के, और वहां पे जो है शंकर जी जो है अपना तेज खो दिए। तो जो शंकर जी का तेज गिरा वो, अब शंकर जी इतने बड़े वैष्णव हैं और इतने शक्तिशाली हैं कि उनका जो तेज ऐसे बिखर नहीं जाएगा। तो वो तेज से ही जहां जहां गिरा वहां वहां सोने और चांदी की खाने बन गई। तो इस तरीके से मोहिनी मूर्ति ने जो है भगवान शंकर को बहुत दूर तक दौड़ाया, और इस तरीके से बाद में वो जो है अपना असली रूप दिखाया, और फिर उनसे कहा देखा मैंने कहा था। तो शंकर जी को समझ में आया, तो शंकर जी कहते हैं, भगवान कहते हैं कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हुआ क्या था बैकग्राउंड में कि भगवान
भगवान ने जो मोहिनी मूर्ति का रूप असुरों को दिखाया वो ये रूप नहीं था, ये ट्विस्ट है कि नहीं? जो असुरों को दिखाया वो मोहिनी मूर्ति का रूप शंकर जी को नहीं दिखाया, क्यों? अब भगवान यहां पे शिक्षा देने चाहते थे कई, एक शिक्षा तो भगवान ये देना चाहते थे तभी वो उस रास्ते से दौड़े, ताकि सब साधना करने वाले समझ जाए कि इतना बड़ा व्यक्ति भी स्त्री के पीछे भाग सकता है, इसलिए हमेशा अलर्ट रहिए, सचेत रहिए, है ना, घमंड मत करिए, अरे मेरा कुछ नहीं होगा, शंकर जी भी भागे, ठीक है। और दूसरी बात ये थी कि भगवान ने असुरों को जो रूप दिखाया वो उनकी माया शक्ति किसे बनाया था, मोहिनी मूर्ति का माया शक्ति से बना के असुरों को भ्रमित कर लिया। अब क्वेश्चन यहां पे हो सकता है, इनका नाम लिखो, कल का प्रसाद तो इसके बाद तो पहली बात समझ में आपको क्यों भगवान उस रास्ते से शंकर जी को दौड़ाए। दूसरी बात थी, आपको प्रश्न हो सकता है कि भाई जब मोहिनी मूर्ति आए अमृत पिलाया असुर भ्रमित हुए, देवता भ्रमित नहीं हुए, है कि नहीं? देवता तो भ्रमित नहीं हुए थे, जब देवता भ्रमित नहीं हुए तो शंकर जी कैसे भ्रमित हुए? शंकर जी जिनको कामदेव भी कुछ नहीं कर पाया वो शंकर जी यहां भ्रमित हो गए, जबकि यहां देवता भ्रमित नहीं हो रहे, है कि नहीं? तो भगवान ने कौन सा रूप दिखाया था, माया शक्ति से जो मोहिनी मूर्ति बनाया था वो किसको दिखाया था, असुरों को। अब उस माया के तो पहले ही पति बने बैठे हुए भगवान शंकर, और वो माया, वो दुर्गा, वो पार्वती कितनी तपस्या करती है कि शंकर जी मेरी तरफ आकर्षित हो जाए, उन्हें विवाह करे, सबको कथा मालूम है। तो भगवान ने सोचा, इसीलिए क्योंकि ये माया शक्ति से जो मोहिनी मूर्ति का रूप बनाया था इसीलिए सिर्फ असुर लोग आकर्षित हुए, देवता आकर्षित नहीं हुए। आप समझ रहे हैं इस बात को, देवता क्यों आकर्षित नहीं हुए, क्योंकि वो मोहिनी मूर्ति किस से था, माया शक्ति से था। पर यहां पे भगवान शंकर भी आकर्षित हो गए इसलिए क्योंकि भगवान ने ये मोहिनी मूर्ति रूप माया शक्ति से नहीं बल्कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति से बनाया। क्यों? माया शक्ति तो पहले ही पति बैठे बने बैठे हैं, उनको कैसे, भगवान चाहते थे कि शंकर जी भ्रमित हो ताकि लोगों को शिक्षा मिले। ऐसा नहीं कि कोई कहे कि शंकर जी भ्रमित हो गए, नहीं, लीला है, भगवान चाहते थे, नहीं तो जब देवता भ्रमित नहीं हुए तो शंकर जी कैसे भ्रमित हो जाएंगे, समझ में आ रहा है? इसलिए भगवान शंकर से ऐसी लीला। अच्छा, भगवान कृष्ण और शंकर वैष्णवाना में था शंभु, सबसे प्रिय सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं कृष्ण के शंकर जी, तो इनके बीच में ऐसे ही चलता रहता है जीव गरीब, है ना। शंकर जी को वैसे नहीं बुलाते, जब सब हलाहल विश्व फैल गया तब शंकर जी को याद किया, भाई आप पियो, जब रसगुल्ले बटते तब वो किसी और को विश्व बटा तो शंकर जी को, है कि नहीं? अच्छा, ऐसे ही करते हैं। एक बार जब भगवान शंकर का विवाह हो रहा था तो उस समय विवाह के समय हिमालय की पुत्री के साथ जब विवाह हुआ पार्वती के साथ, तो बारात आई तो सारे, बारात आने से पहले सारी जो दुल्हन है उसकी सारी जो सखियां हैं सब इंतजार कर रही थी बारात कब आएगी करके, सब झरोखों से देख रही थी। बारात आई, साउंड आया, बारात आ गई, खिड़की से देखा तो आधे तो वहीं चक्कर खाके खा गए बारात को देख के, आधे तो प्रेत, किसी के हाथ, किसी का हाथ पेट में, किसी का इधर से कुछ निकल रहा है, कोई तीन सींग, ये वो अजीब अजीब, कोई खोपड़ियां लटकाया हुआ है, पता नहीं कैसी कैसी बारात आई, कपड़े भी ढंग के नहीं, किसी के तो है ही नहीं, अजीब अजीब। भगवान शंकर भी यूं ही भसम लगा के, अरे किसी ने कहा कुछ तो पहन लो महाराज, आज शादी है, तो उन्होंने वो एक मृग की छाल पहन ली, त्रिशूल, यहाँ सर्प वहां सर्प,
है ना, वो स्टिचिंग तो होती थी नहीं, तो कैसे बांधे, तो एक सांप को लिया वो धोती में ही टाई कर लिया कैसे बांधे, बोले धोती बांध लो सर्प से, वो बांध लिया यहाँ सर्प यहाँ सर्प, पूरे कई सांप ही सांप, बिच्छू बिच्छू सब यहाँ वहां चल रहे हैं, पूरा फैंसी ड्रेस, भगवान शंकर आ रहे बिल्कुल बैठे गाय पे बैल पे। अब ये देख के सब कहते इससे शादी करूंगी, बोले पार्वती जी इतना घर में हंगामा मचाया होता कि नहीं उसी से करूंगी उसी से करूंगी, इससे करूंगी, चलो भाई जिसकी जैसी इच्छा। अब भगवान शंकर का विवाह था, सब लोग आए थे, जब सब आएंगे तो विष्णु क्यों नहीं आएंगे, तो भाई बारात आ गई है, स्वागत चल रहा है बारात का, वहां पे आ गए भगवान विष्णु काय पे बैठ के, गरुड़ पे बैठ के यूं आए, और जहां सर्पों ने देखा गरुड़ सारे निकल लिए, और वो भी निकल गया जिसने। अब इतनी बड़ी इंसल्ट हुई दूल्हे की कहां बारात में, किसने करी, कृष्ण ने। इसलिए कृष्ण और शिव के बीच का रिलेशनशिप हम ना समझे तो ही अच्छा, कौन बड़ा कौन छोटा, अरे एक। तो इस तरीके का कथा कहां थी, कथा कहां चल रही थी, उनका रूप दिखा रहे थे। तो भगवान ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से अंतरंगा शक्ति से मोहिनी मूर्ति का रूप प्रकट करके भगवान शिव को मोहित किया, है ना, मोहित किया, ठीक है। तो इस तरीके से भगवान कहते हैं शंकर जी को कि आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको माया कभी मोहित नहीं कर सकती है, और ये तो मैंने इस तरह से लीला किया था। और तब भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं, अभी अभी जस्ट आपने देखा भगवान की लीला, अभी अभी आपने मेरे भगवान की लीला देखी कि नहीं, एक बार आपने मुझसे प्रश्न किया था ना जब मैं तपस्या करके आया था कि आप किस की तपस्या करते हो, आप किसका भजन करते हो, मैं इन्हीं का भजन करता हूं। माता पार्वती को प्रश्न का उत्तर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है उसके बाद जो है आठवां स्कंद यहाँ पे समाप्त होता है। नवम स्कंद में ईशान कथा, मनवंतर हो गया, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर, ईशान कथा नवम स्कंद, निरोध मुक्ति आश्रय, निरोध ग्यारहवां आश्रय दसवां और मुक्ति बारहवां, ठीक है। तो नवम स्कंद में बेसिकली दो वंश का वर्णन आता है, कौन से, एक सूर्य वंश और एक चंद्र वंश, ठीक है। सूर्य वंश किसने देखा, सूर्य वंश सुना है, कहां कहां सुना, सूर्यवंश का नाम सुन के ही प्रसन्न हो गए। तो भगवान कृष्ण राधा कृष्ण, कृष्ण के इधर से आए बलराम जी, बता दें ना, बलराम जी से शंकरसन, शंकरसन से अनिरुद्ध प्रद्युम्न वासुदेव, और फिर नीचे फिर द्वितीय चतुर्व्यूह शंकरसन से महाविष्णु, महाविष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु से ब्रह्मा, ये सूर्यवंश बता रहे हैं, ठीक है। ब्रह्मा से मरीची, मरीची से कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए सूर्य, अदिति माता जो भी बात हुई ना, तो अदिति के जो पुत्र हुए वो कहलाए आदित्य, दिति के जो पुत्र हुए वो कहलाए दैत्य, तो बारह आदित्य उन्हीं में से एक है विवस्वान, जिन्हें कहते हैं सूर्य, सूर्य का पदवी है, नाम व्यक्ति का विवस्वान है, ठीक है। तो इन्हीं सूर्य का जो वंश चला उसे कहते हैं सूर्य वंश, है नहीं। तो इन विवस्वान के जो हुए पुत्र उनका नाम हुआ श्राद्ध देव। अच्छा, ये श्राद्ध देव जो थे ये इनका नाम पहले था सत्यव्रत, तो ये राजा थे, और सत्यव्रत राजा एक बार जो है गए पानी लेने नदी में, तो वहां एक छोटी सी मछली थी, तो मछली कहती है राजा राजा मेरी रक्षा करो,
तो इनको आवाज कहां से आवाज आ रही है? देखो देखो मछली, छोटी सी मछली कह रही है मेरी रक्षा करो, इस नदी में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं, मुझे खा जाएंगी, आप मेरी रक्षा करो। तो राजा ने कहा इतनी सी मछली है क्या, उठाया और कमंडल में डाल लिया। कमंडल से डाल के महल तक पहुंचे, वो मछली कमंडल में फंस गई, इतनी बड़ी हो गई। वो कहने लगे कि अरे राजा आप तो इतने दयालु हैं, मेरे को ऐसे छोटे से कंजेस्टेड कमंडल में रखा है, बड़े में रखो, मेरे लिए छोटा पड़ रहा है। तो उन्होंने बड़े उसमें टब से में रखवा दिया। फिर वो कुछ समय बाद उसको वो भी छोटा पड़ने लगा, तो कहे राजा राजा मेरे को ये भी छोटा पड़ रहा है। तो राजा ने एक बड़ा सा स्विमिंग पूल सा बनवाया और उसमें रखवा के रात हो गई, सो गए। सुबह जगे तो मछली दे, अरे मेरे को ये स्विमिंग पूल छोटा पड़ रहा है। तो राजा उसको फिर नदी में ले गए, तो वो नदी में इतना फैल गया, इतना विशाल मत्स्य मछली को देख के सत्यव्रत कहते हैं आप हैं कौन, आप बताएं आप हैं कौन, आप अपनी पहचान को उजागर करें, हम नहीं समझ पा रहे हैं। तब मत्स्य कहते हैं कि मैं स्वयं भगवान हूं, प्रलय होने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें ये मैसेज देने आया हूं कि सारी औषधियों को कलेक्ट कर लो, ऋषियों को बुला लो, और जैसे ही आज से कुछ समय बाद जैसे ही प्रलय होगी मैं आऊंगा इसी रूप में, और नाव में मेरा सींग होगा एक मछली के आगे, और उसमें नाव को बांध के उसमें औषधियों को वेदों को लेके बैठ जाना, और पूरी प्रलय में हम विहार करेंगे। एक्चुअली में जरूरत नहीं थी, पर भगवान ऐसा करना चाहते थे। भगवान की भी अजीब अजीब इच्छाएं होती हैं, है ना। भगवान की इच्छा थी, जैसे गीता में का ज्ञान भगवान ने कहां दिया, कुरुक्षेत्र में लड़ाई के मैदान में देने की इच्छा हुई, पहले दे देते, पहले भी तो नहीं लड़ाई के मैदान में लड़ेंगे ज्ञान देंगे। तो यहां भगवान की इच्छा थी कि सत्यव्रत को ज्ञान देंगे प्रलय के समय, जब पूरा यूं 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 करके पानी हो रहा होगा, नाव अप डाउन रोलर कास्टर जैसे ऊपर नीचे घूमेगी, उसमें ज्ञान दूंगा, उसका भी अपना आनंद है ना। सोचो क्लास चल रहा है, कथा चल रहा है, और पानी एकदम से गिर रहा है ऊपर से, यूं यूं हॉल ऐसे ऐसे हिल रहा है, कितना चलेगा। भगवान की ऐसी छठी ऐसी लीला हो, इसलिए भगवान ने मत्स्य अवतार का रूप धारण किया, और जो है प्रलय के दौरान जो है अपने उनकी जो सींग था उसमें नाव को बांधा गया, उसमें सत्यव्रत बैठे, और प्रलय के समय पानी की जो बड़ी बड़ी हिलोरें थी उसमें जो भगवान मत्स्य सत्यव्रत को ज्ञान दी, मत्स्य अवतार की। तो ये जो सत्यव्रत थे यही बाद में जाके श्राद्ध देव मनु बने, इनके पुत्र हुए नभग, नभग के पुत्र हुए महाराजा नाभाग, और इनके बड़े विख्यात पुत्र हुए जिनका नाम हुआ अम्बरीश। महाराजा अम्बरीश जो है बहुत बड़े शुद्ध वैष्णव थे, और भक्ति की नौ विधा में पारंगत। नौ विधा क्या है भक्ति की, कौन बताएगा? श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन दासरे, हर्ष वाह पूजन सखीजन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाषा। ये नौ है, नौ की नौ में कौन एक्सपर्ट था? अम्बरीश महाराज। ये बिल्कुल भी इधर उधर कुछ नहीं, बिल्कुल भगवान की ही सेवा करते थे, अपनी सारी इंद्रियों को इन्होंने भगवान की सेवा में लगाया था। पैरों से मंदिर जाते थे, हाथ से मंदिर की सफाई करते थे, नाक से भगवान के चरण में चढ़ाई हुई तुलसी का गंध लेते थे, आँख से भगवान के दर्शन करते थे, जीवा से कथा बोलते थे, प्रसाद पाते थे। इस तरीके से सारी इंद्रियां भगवान की ही सेवा में इन्होंने लगा रखी थी, किसने? अम्बरीश महाराज। तो यहाँ समझने वाली बात है कि महाराजा अम्बरीश इतने बड़े राजा थे, ऐसा नहीं बोलते थे कि जो भी प्रोग्राम कथा करवानी है करवाते रहो, डोनेशन हमसे लेके जाना, नहीं, खुद सेवा करते थे, खुद मंदिर की सफाई करते थे, है ना, खुद राजा होके। तो जो भगवान के भक्तों के संग में जाने पर सुंदर, हम कई दिन से सुन रहे हैं, सब लोग क्या मांग रहे हैं? भक्तों का संग, भक्तों का संग, भक्तों का संग में जाना है तो श्रवण कीर्तन मिलेगा। कई बार श्रवण कीर्तन पता है कि श्रवण करना है, पता है कि हरे कृष्ण नाम का जप करना है,
लेकिन इच्छा नहीं होती, रुचि नहीं आती, ऐसा होता ना। हमें पता है अगर आप पूछेंगे तो हम पूरा फिलॉसफी बता देंगे क्यों हरि नाम करना जरूरी है, पर हमारा मन नहीं होता अच्छा कर, जप करने का मन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जप कर नाम रुचि आती है वैष्णव सेवा से, जीव दया नाम रुचि वैष्णव सेवा। जीव दया करेंगे मैंने अगर पाप किए जीवों को हत्या करी तो अपराध में जाएगा, वो पाप की वजह से नाम रुचि कम होगी, लेकिन वैष्णव सेवा करेंगे तो नाम रुचि बढ़ेगी। साधु संघ में जाके वैष्णव, साधु संघ का मतलब क्या, साधु संघ में वैष्णव मिलेंगे, वैष्णव की सेवा करेंगे, वैष्णव की सेवा जब करेंगे तब नाम रुचि आएगी। वैष्णव इसलिए हम जा रहे हैं, कई सालों से सत्संग में जा रहे हैं पर नाम रुचि नहीं आ पा रही है क्योंकि वैष्णव सेवा नहीं हो पा रही है। जब ज्यादा बड़ा कथावाचक बन जाते हैं तो फिर वैष्णव सेवा करने को नहीं मिलती क्योंकि सेवा करने वाले मिलते, हम किसकी सेवा करें हमें वही नहीं मिलता, ऐसी समस्या हो जाती है। कहीं जाओ प्रभु जी आपकी सेवा करेंगे, हम आपको करेंगे, हाँ वो तो करो करो, तो उस चक्कर में और श्रवण नहीं होता, कथा बोलते रहते, कथा तो बोलेंगे सुनेंगे कब, सुनना भी जरूरी है, श्रवण कीर्तन। अब इतने प्रोग्राम हो गए हैं, इतनी कथा हो गई कि श्रवण करने का समय नहीं रह गया। सेवा अब सब जहां जाते हैं वहां लोग सेवा करते हैं, हम किसकी सेवा करें, समझते हैं कि नहीं। साउथ इंडिया में एक रामानुजाचार्य के गुरु, क्या नाम था उनका याद नहीं आ रहा, वो अच्छा नाम उनका रामानुजाचार्य, वो कांचीपूर्ण, यस कांचीपूर्ण, बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। कांचीपूर्ण जो है भगवान वरदराज, कांचीपुर जगह सुना आपने, वहां पे भगवान वरदराज का मंदिर है, साउथ इंडिया का सबसे फेमस मंदिरों में से एक, और उस दौरान वो सेंटर हुआ करता था। तो उस वरदराज, वरदराज भगवान का नाम इसलिए क्योंकि वो वरदान देते हैं, राजा हैं वरदान देने में, जो मांगो देते हैं। उन वरदराज के बहुत बड़े भक्त थे कांचीपूर्ण, इतने बड़े भक्त थे कि चिटचिट होती थी इनकी भगवान से, रोज रात में भगवान को ये हवा करते थे और बातचीत करते थे, भगवान भी चिटचिट किया करते थे, और भाई उसके घर में क्या चल रहा है, इसके घर में क्या चल रहा है, तो कांचीपूर्ण सब बताते रहते थे आज यहाँ ये हुआ हुआ हुआ, हवा करते रहते थे और अपनी बातचीत चलती रहती थी, रोज होता था ये। और जब भगवान को नींद आने लगती थी तो ये भगवान सो जाते थे और कांचीपूर्ण अपना घर आ जाते थे। तो कई बार रात हो जाती थी, तो रात हो जाने की वजह से एक और व्यक्ति था जो मंदिर के बाहर खड़ा रहता था लालटेन लेके। उसका काम क्या था कि वो कांचीपूर्ण जाएंगे तो आगे के चलता था, लाइट दिखाता था, ठीक है। तो इस तरीके से लोग अपनी सिफारिश भी भेजते थे, सबको पता था कि कांचीपूर्ण भगवान से डायरेक्ट बात करते हैं। तो एक दिन कांचीपूर्ण ने अपना हवा कर रहे थे, बातें चल रही थी, उसका भगवान सो गए और कांचीपूर्ण वापस आए। तो ये जो लालटेन वाला व्यक्ति था ना, इसने कांचीपूर्ण से कहा ना, हमारा एक प्रश्न है। तो क्या प्रश्न है? बोले प्रश्न है कि मैं भगवत धाम कब जाऊंगा। तो कांचीपूर्ण हंसने लगे, शकल देगी अपनी, क्यों, अरे तुम्हें कुछ पता ही नहीं, तुम यार क्यों जाओगे। तो बोले नहीं नहीं आप ना भगवान से पूछो। क्यों पूछे, हमें कह रहा हूं ना भगवान से पूछो ना एक बार, आप तो रोज बात करते हैं, भी पूछ लेना। तो कांची ने चल ठीक है पूछ लेंगे, उसको अवॉइड करने के लिए कि चल पूछ लेंगे यार तुम चल ठीक है। अगले दिन आए कांचीपूर्ण, भगवान को हवा कर रहे थे, आज भगवान को नींद नहीं आ रही, और बता ये वो पता नहीं क्या क्या भगवान पूछ रहे, नींद नहीं आ रही, समय होता जा रहा है। कांचीपूर्ण अब उनका था कि जब सो जाएंगे तभी जाना है, सो नहीं रहे। तो भगवान से आप सो नहीं रहे, नहीं ये बताओ वो बताओ और कुछ पूछना है पूछो।
तो कान में और कुछ नहीं पूछना, अरे नहीं कुछ पूछ लो चाचा ये बताओ, अच्छा बताओ। तो अचानक इनको एक याद आया कि उसका क्वेश्चन था, तो इन्हें पता तो श्योर था कि कुछ नहीं होने वाला इस व्यक्ति का, लेकिन फिर भी कहा चलो पूछ लेते हैं, है ना, याद आ गया तो पूछ। पूछे वो जो लालटेन ले दिखाता है वो, उसका एक प्रश्न था। अच्छा उसका भी प्रश्न है, पूछो पूछो। तो कहते वो कह रहा था कि वो भगवत धाम कब जाएगा, तो भगवान भरतराज कहते हैं उसको कह देना कि बस ये जन्म के बाद वो हमारे पास आ जाएगा। कांची बोले थे क्या बात कर रहे हैं, आ जाएगा वो, आ जाएगा, उसका हो गया सारा काम क्लियर। अच्छा हाँ कोई नो ड्यूज नहीं। अच्छा कांची बिरला को इस बात का टेंशन नहीं कि वो भगवत धाम चला जाएगा, किस बात का टेंशन कि उसको बताऊं कैसे, मैंने तो इतना बोला था कि नहीं जाएगा नहीं जाएगा। तो आए, अब जैसे ही आंसर मिला भगवान ने आ नहीं रहा तुम जाओ, भगवान सो ही नहीं रहते, वो वेट कर रहे थे कब पूछेगा। तो भगवान सो गए, कांची बिरला वापस आए तो ये कहते हैं कि पूछा क्या, पूछा तो क्या क्या भगवान क्या कहा, भगवान ने कहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन भगवान ने कहा है कि तुम इस जन्म के बाद चले जाओगे। अरे वो तो नाचने लगा। तो कांची पूना गए अपना सोचने लगे, फिर कांची पूना के मन में आया यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर उन्होंने कहा मैं भी पूछता हूँ। अब कांची पूना 200% श्योर थे कि इस मैं तो रोज बात करता हूँ, तो उन्होंने अगले दिन गए तो भगवान मेरा ना एक प्रश्न है। तो क्या प्रश्न पूछो, तो कहते भगवान मैं कब जाऊंगा भगवत धाम, तुम क्यों जाओगे, भूल मैं नहीं जाऊंगा। तो बोले अरे मैं कांची पूना, तो बोला मैं आपका रोज पंखा चला रहा हूँ, रोज हम लोग बातचीत करते हैं, तो बातचीत करते तो क्या मतलब है, नहीं रहो बातचीत करते रहे। तो कांची बोलते अरे ये क्या बात है, तो वो लालटेन वाला जा सकता है मैं भी जा सकता। भगवान भरद्वाज कहते अरे वो रोज एक शुद्ध भक्त को लालटेन दिखा रहा है ना, तो इनको समझा नहीं। और भगवान भरद्वाज कहते तुमने आज तक किसी वैष्णव सेवा करी है, वो वैष्णव सेवा करता है तुमने करी है, मैं आपकी सेवा करता हूँ, तो मैंने कब कहा मेरी सेवा करोगे तो मेरे धाम आओगे। अरे यार मैंने वैष्णव सेवा करूंगा तुम जाऊंगा, फिर पंखा वहीं रखकर निकल गए। बोले अरे रुको मेरे को नींद नहीं आई, बोले आप सोते रहे ना, अपना पंखा जलाते रहे ना, मैं जा रहा हूँ। कांची पूर्णा गए अब गांव में, गांव में उनको लगा कि कौन डिवोटी है करके कौन भक्त है, तो उसके पास गए, एक इनको लगा कि ये भक्त है तो उसके घर में गए। कांची पूर्णा कहते हैं कि मुझे कुछ सेवा दे दो, मैं आपके घर में सेवा करूंगा। तो वो कहने लगा महाराज कुछ हमसे अपराध हो गया क्या, हमसे कुछ पाप हो गया, आप ऐसी बात कर रहे हैं, महाराज हम आपकी सेवा करेंगे, आप कैसे कह रहे हैं, महाराज हम आपकी, आप बताओ क्या सेवा करें, हमसे कोई गलती हो गई है आप ऐसा बोल रहे हैं। बोले नहीं 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 मुझे वैष्णव सेवा करनी, महाराज आप शुद्ध वैष्णव आपको हम कैसे अपनी सेवा में लगा सकते हैं। उनके घर से निकाल दिया, जिस जिस घर में गए कोई ना उन्हें सेवा दे, भाई कौन कहेगा कि यार कांची पूना रोज भगवान से बात करते हैं, इनको अपने घर में सेवा में लगाए, पागल हो गए हैं। कांची पूना ने यार ये तो बहुत टेंशन हो गई। तब कांची पूना ने अपना भेष बदला, पूरा भेष बदल के फिर एक जगह गए और बोले हमें कुछ खाने पीने कुछ काम दे दो करके उस एक भक्त के घर में सेवा की। तब जो है भगवान ने एक दिन मैसेज भेजा कांची पूर्णा आ जाओ वापस। तो वैष्णव सेवा का शुद्ध भक्त वही था, कांची पूर्णा शुद्ध भक्त थे, उनकी सेवा वो लालटेन वाला करता था, लेकिन वैष्णव सेवा का महत्व बताने के लिए भगवान ने ऐसी लीला की है ना। तो भगवान ऐसी खतरनाक लीलाएं अपने शुद्ध भक्तों के साथ ही करते हैं। तो वैष्णव संघ में जाना है, सत्संग में जाना है, तो वहां सेवा करनी है, सेवा करेंगे तो वैष्णव या तो आशीर्वाद देगा या वो भगवान से खुद प्रार्थना करेगा कि ये भक्त आते हैं
इतनी सेवा करते हैं भगवान, इनको आप भक्ति में लगाए रखें, इनको हरि नाम में रुचि दें, कथा श्रवण में रुचि दें। भागवतम में श्लोक आता है, महत सेवा, महत सेवा इतना जरूरी, महत से भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे तो जो है नाम रुचि आएगी। कथा श्रवण कीर्तन में रुचि कब आएगी? अभी तो कथा के बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बजता है या फिल्म की धुन पे जो कीर्तन होता है उसमें मजा आता है, जब बिना म्यूजिक के, इसलिए तो कीर्तन में मजा आता है लेकिन जप में मजा नहीं आता। नाम दोनों है, इसलिए सीक्रेट कहां छिपा हुआ है? वैष्णव सेवा में। इसलिए सब कहते हैं वैष्णव संघ में जाना है, वैष्णव संघ में जाना है, वैष्णव संघ में जाएंगे वैष्णव सेवा मिलेगा तब नाम रुचि आएगी। अब वैष्णव संघ में जाके सेवा मिलती भी नहीं, क्योंकि हर वैष्णव समझता है कि हम सेवा करें और इनको ना करवाएं, है ना? तो हमें ढूंढनी है सेवा, कोई देगा नहीं, जब कोई बोलेगा तभी करेंगे, ढूंढनी है सेवा। तो इस तरीके से महाराज अम्बरीश जो है भगवान की खुद सेवा करते थे, मंदिर में पोंछा लगाना तो खुद लगाते थे, राजा थे आदमी लगा सकते थे नहीं, खुद करेंगे, मंदिर पैदल चल के जाते थे। पैरों को भी तो सेवा में लगाना है, वो आज के लोग कहेंगे गुरुजी गाड़ी चलाते हुए पैर सेवा में ही लग रहा है, ठीक है ना? तो महाराज अम्बरीश इस तरह, अच्छा जगन्नाथपुरी की जब रथ यात्रा निकलती थी है तो भगवान जगन्नाथ जब जाते हैं रथ यात्रा में तो पुरी का राजा स्वयं आता है वहां पे भगवान के सामने झाड़ू लगाने। राजा है आदमी लगा सकता है लेकिन नहीं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या नाम था उनका, पुरुषोत्तम, क्या नाम था बोलिए उनका, नहीं नहीं पुरी के राजा का नाम पुरुषोत्तम महाप्रभु के समय में जो राजा थे प्रताप रुद्र, महाराजा प्रताप रुद्र, सब वैष्णव लोग कह रहे थे महाप्रभु से कि महाराजा प्रताप रुद्र को आप सेवा दे, कृपा करें उन पे, लेकिन महाप्रभु ने जब देखा कि वो झाड़ू लगा रहा तब कृपा करी। तो वैष्णव सेवा का इतना महत्व है ना, भगवान के भक्तों के बीच में जाके वैष्णव सेवा करना है, सेवा करना है। कुछ लोग भ्रम है, ठीक है जाओ प्रभु जी कथा है, ठीक है 1,00,000 रुपया दान में दिया आपकी कथा भंडारा करवा लेना, होता कि नहीं? कई बार उनको बुलाए सेवा के लिए, सत्संग के लिए बुलाए तो लोग कहते ये लीजिए 1,00,000 रुपया और आप जो है रसीद भी मत दीजिए, हमारा अनाउंसमेंट भी मत कीजिए, करवा लीजिए, है ना? पैसा दे देते, पैसा देना सबसे नीची सेवा है, क्यों? संतोष पैसा दिया मैंने सबसे श्रेष्ठ सेवा करी, नहीं सबसे नीची सेवा, किसको पैसा दे रहे? जिसकी पत्नी खुद लक्ष्मी है, लक्ष्मी सहस्त्र सब ब्रह्म सेवा, हजार हजार लक्ष्मियां जिनकी सेवा में लगी उनको आप 100 रुपए देके 1,00,000 रुपए देके कहां से फंसा लेंगे? सबसे पैसा देना सबसे नीचे, जो कुछ नहीं कर सकता ले भाई पैसा ले जा, कुछ नहीं कर सकता तब पैसा दे, समझ में आ रहा है? तो भगवान लक्ष्मी वैकुंठ में झाड़ू लगाती है, लक्ष्मी जी वैकुंठ में क्या कर रही हैं? क्यों इतनी गंदगी क्या वैकुंठ में? वैकुंठ में गंदगी नहीं है, चिंतामणि नाम है वो, वहां गंदगी नहीं है, फिर झाड़ू क्यों लगा रही हैं? लक्ष्मी जी झाड़ू लगा रही हैं ताकि कम से कम कुछ तो सेवा, सेवा नहीं है वहां फिर भी सेवा ढूंढ के कर रही है कि कम से कम नारायण का ध्यान मेरी तरफ आकर्षित होगा। तो वो स्वयं लक्ष्मी झाड़ू लगा रही है
नारायण का ध्यान आकर्षित करने के लिए, और हम सोच रहे हैं कि हम 1,00,000 रुपया दान की हुंडी में डाल के नारायण को अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे, कैसे होगा? महत सेवा, वैष्णव सेवा, मंदिर मार्जन खुद जाके करना है, झाड़ू खुद लगानी है, सफाई खुद करनी है। तो महाराजा अम्बरीश का चरित्र बड़ा पवित्र है। महाराजा अम्बरीश एक दिन व्रत किए, पूरा द्वादशी व्रत है ना, द्वादशी व्रत उसे कहते हैं, है वो एकादशी व्रत लेकिन उसमें सूर्योदय के हिसाब से चलता है, वैष्णव सिद्धांत में चलता है। द्वादशी को एग्जैक्ट टाइम में ही व्रत खोलना है, उसे द्वादशी व्रत बोलते थे। तो उन्होंने पूरे साल व्रत किया और जो है व्रत खोलने का समय था और बस आचमन मतलब व्रत जरा सा भी, कई बार ऐसा होता है कि एक मिनट का रहता है टाइम खोलने का, उसमें ही खोलना है नहीं तो सब बेकार। तो बिल्कुल बैठे हुए थे व्रत खोलने के लिए, वहां से दुर्वासा ऋषि आ गए। तो जैसा आदर सत्कार होता है उनका, आप भी आइए प्रसाद लीजिए। तो लेने में नहा के आऊंगा फिर प्रसाद लूंगा, ठीक है नहाने गए नहा रहे हैं, यहाँ पे व्रत का समय निकला जा रहा है खोलने का। अब महाराजा अम्बरीश को समस्या हो गई, अब क्या करें क्या करें, अतिथि को खिलाए बिना खा लेंगे तो भी अपराध है, एकादशी व्रत को नहीं पूरा करेंगे तो भी गड़बड़ है। तो उन्होंने और दूसरे साधुओं से ब्राह्मणों से पूछा क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा देखिए महाराजा अम्बरीश, चरणामृत में कुछ नहीं होता, चरणामृत से व्रत आपका पूरा भी होगा और नहीं भी खाया है दोनों बात है, तो आप चरणामृत ले लो। उन्होंने चरणामृत ले लिया बस। फिर आए दुर्वासा ऋषि, अब उनको सब पता चल गया था, आए उन्होंने अपनी योग शक्ति से पता कर लिया किसने व्रत खोल लिया, उन्होंने उसको दे 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 इतना कहा। तो जानना चाहिए ना पूरी बात, नहीं नहीं समझे, और बस तुरंत अपनी जटा निकाली और उससे एक फायरी डीमन आग का राक्षस उसको बना दिया। और वो आग का राक्षस क्यों बनाया, अम्बरीश महाराज को खत्म करने के लिए। अम्बरीश महाराज इतने विनम्र भक्त, हमेशा ऐसे शुद्ध भक्त हैं, कोई प्रतिशोध नहीं, कोई गुस्सा नहीं, हरे कृष्णा राखे के राखे कृष्णा हरे, कोई टेंशन नहीं, हाथ जोड़ के खड़े हैं, इनको टेंशन नहीं, अगले को टेंशन हो गई, किसको सुदर्शन वैसे पहले हुआ ना, चित्रकेतु ने शिव को बोला, शिव को टेंशन नहीं, माता पार्वती ने साथ दिया। अच्छा वैसे भी भगवान ने सुदर्शन से कहा था कि ये मेरा शुद्ध भक्त है, इसको टेंशन ना होने पाए। सुदर्शन हमेशा रेडी रहते थे, अम्बरीश महाराज ने कुछ कहा बस हरे कृष्णा। तो जैसे ये राक्षस जो आग से बनाया था ये आया, सुदर्शन ने पहले तो इसको खत्म किया, फिर दूसरे नंबर पे दुर्वासा के पीछे आए, दुर्वासा वहां से निकले, सब जगह भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सुना है इधर है रास्ता, उधर से निकले, शंकर जी के पास गए, शंकर जी इधर से जाना था, जाओ जाओ हम कुछ नहीं कर सकते ये आपस में आते हैं। फिर कहां पहुंच गए, स्वयं विष्णु जी के पास। विष्णु कहते अच्छा आप भक्त, अम्बरीश भक्त, सुदर्शन भक्त, भक्तों के बीच मैं क्या करूं, हरे कृष्ण हरे। तो दुर्वासा जी मेरे आप विष्णु आपका सुदर्शन कुछ तो करो। बोले मैं देखिए कुछ नहीं कर सकता, मैं मेरे भक्तों के दास हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब जो कर सकते हैं वो अम्बरीश ही कर सकते हैं, जाइए उनसे ही क्षमा याचना, जो सेटिंग करनी है उनसे ही करिए, अम्बरीश महाराज ही कुछ कर सकते हैं। तो पूरा साइकिल मार के पूरा राउंड करके फिर वापस आए अम्बरीश महाराज के पास, अम्बरीश महाराज के चरण पकड़ लिए। अम्बरीश महाराज कहते हैं क्या कर रहे हैं आप, और इतना ही सब भ्रमण करके आए, तब तक अम्बरीश महाराज इंतजार ही कर रहे थे कि आएंगे जब ये खाएंगे तब मैं प्रसाद पाऊंगा, वो अभी तक इंतजार ही कर रहे थे। अब वो कहते हमारी रक्षा करो, प्रसाद बाद में खाएंगे, पहले ये मेरे को बचाओ इससे। तो अम्बरीश महाराज देखिए आप शुद्ध भक्त का चरित्र देखिए, अभी अभी इनको मारने के लिए तैयारी की गई, और उसने जिसने मारने का प्रयास किया उसी के लिए अम्बरीश महाराज सुदर्शन से कहते हैं कि हे सुदर्शन आज तक मैंने जो भी दान तप व्रत भक्ति जो कुछ भी किया है सब ले लो, और उसके परिणाम स्वरूप इनको छोड़ दो, अपना सब कुछ दे दिया उनको। किसकी रक्षा के लिए सब कुछ दे दिया,
दुर्वासा, दुर्वासा कौन? जिसने भी थोड़ी थोड़ी दिन पहले उनका लिए मारने का प्रोग्राम बनाया था। ये कौन? शुद्धदत्त अम्बरीश महाराज। तो इस तरीके से सुदर्शन जी ने जो है दुर्वासा जी को वहां से छोड़ दिया। अम्बरीश महाराज की इस तरीके से जो सूर्यवंश चल रहा है ना, कोई कोई हो जाए क्या चल रहा है, तो सूर्यवंश में श्राद्ध देव मनु हुए, उनके एक पुत्र थे नवक, नवक के पुत्र नाभाग और नाभाग के पुत्र अम्बरीश, जिनकी कथा अभी हुई। और इन्हीं श्राद्ध देव मनु के एक पुत्र नाभाग एक साइड, दूसरे साइड एक इक्ष्वाकु, ये नाम सुना होगा, सुना कि नहीं, कहाँ सुना होगा? इक्ष्वाकु वंश। तो ये इक्ष्वाकु महाराज, इनके आगे जनरेशन में एक राजा हुए कुक्षी, इनका नाम ससाद भी है। एक बार इनको जंगल में कुछ यज्ञ के लिए कुछ जानवर लाने के लिए बोला, तो वहाँ बड़ी भूख लगी थी, तो उन्हीं जानवरों से एक खरगोश को इन्होंने भी खा लिया, इसलिए इनका नाम पड़ा ससाद, है ना। फिर इन्हीं के वंश में हुए पुरंजय, फिर मानधाता, महाराजा मानधाता। तो एक ऋषि थे सौगरी मुनि, जिन्होंने 60,000 साल तक, सौगरी मुनि ने कहा कि भाई विश्वामित्र तो समझदार नहीं थे, मैं समझदार हूँ, मैं पानी के अंदर तपस्या करूंगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अच्छा, तो ये जो सौगरी मुनि 60,000 साल तक पानी के अंदर यमुना में, कहाँ? वृंदावन, मधुबन के पास, मथुरा के पास, इन्होंने पानी के अंदर तपस्या किया। और ये बेचारे जब आँख खोले तो दो मछलियों का संग देख के इनकी बुद्धि भ्रमित हो गई, इनने कहा मुझे भी शादी करनी चाहिए, बाहर निकले। तो ये राजा मानधाता की 50 कन्याएं वहां पे स्नान करनी थी, ये आकर्षित हो गए, इन्होंने राजा से कहा कि मुझे आपकी पुत्री से शादी करना है। महाराजा मानधाता भी, ये 60,000 साल से तपस्या कर रहे थे, इनका शकल देखो, आगे शादी करना है। तो महाराजा मानधाता ने सोचा यार अब अगर मैं इनको मना करूंगा तो ऋषि हैं, साफ दे देंगे, है ना, ऋषि लोग साफ दे देते भाई, है ना। आपने देखा ना प्रथुन महाराज केस में, ऋषि लोग कहते हैं आप बैठो, हम ऐसे मंत्र पढ़ेंगे इंद्र यहीं आके आग में गिरेगा, खतरनाक। तो महाराज मानधाता ने क्या करूं, और इसको अपनी पुत्रियां दे भी नहीं सकता भाई। तो इनका ना हमारे यहाँ का एक सिस्टम है कि हमारे यहाँ स्वयंवर होता है, हमारी पुत्री जिसको सिलेक्ट करती है, हमने पहले ही वचन दिया कि हमारी पुत्री जिसको सिलेक्ट करेगी उसी से शादी करेंगे। तो आप जाइए अंदर हमारी पुत्रियों के सामने, और जो आपको सिलेक्ट कर ले उससे आप शादी कर ले। तो ये सौगरी मुनि थे भी कलाकार थे, इनने कहा अच्छा ये समझ गए ये गेम खेल रहा है मेरे साथ। तो ये 60,000 साल तपस्या की थी, देखो आदमी काम में इतना पागल हो जाता है कि 60,000 साल की तपस्या का इन्होंने प्रयोग किस काम में किया, अपना रूप सुंदर बनाने। ऐसे सुंदर हैंडसम बने कि वो अंदर गए तो 50 की 50 कहते हमें तो इसी से शादी करना है। तो फिर बाद में 50 की शादी इनसे हुई, इन्होंने बहुत बड़ा महल बनाया, उसमें आराम से कई सालों रहे। फिर उसके बाद इनको समझ में आया कि इन्होंने क्या गड़बड़ करी, फिर उन्होंने संन्यास लिया, बाद में इन्होंने जो है अपना जीवन धन्य किया। इस तरह से महाराजा मानधाता इन्हीं के वंश में आगे आए हरिश्चंद्र, है ना, हरिश्चंद्र का आपने सुना होगा। फिर महाराजा सगर उन्हीं के वंश में, सगर के 60,000 पुत्र थे, और इन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया, वो घोड़ा जो है इंद्र ने तो घोड़ा चुरा लिया और जाके कपिल मुनि के आश्रम में वहां बांध दिया। अरे महाराजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते पहुंचे कहाँ, कपिल मुनि के आश्रम में। इनने सोचा यही बांध यही चुरा के लाके, अरे मूर्ख अच्छा यहाँ पे ढोंग कर रहा है, है? घोड़ा मारा चुरा के लाया यहाँ तपस्वी बन के बैठा, अभी देख तेरे को बताते हैं। कपिल देव ने आगे बोली 60 के 60 खत्म, 60,000 फिनिश। कपिल देव कहते हुआ क्या, मुझे पता ही नहीं घोड़ा खड़ा था। तो इसी महाराजा सगर के वंश में महाराजा दिलीप, फिर इनके जो बेटा था सगर का अंशुमन, उसने भी प्रयास किया कि इन 60,000 का कल्याण हो, इनका उद्धार हो, वो नहीं कर पाए। फिर दिलीप, फिर उनके वंश में आए महाराजा भागीरथ। भागीरथ ने बड़ी तपस्या करी, किसी ने उनको बताया कि जब गंगा आएंगी तब जो है इनका उद्धार होगा, तो गंगा को लाने के लिए फिर तपस्या करी। तो
तो जब गंगा जी की तपस्या से प्रसन्न हो गई, तब जो है गंगा जी कहती है कि मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन मैं वहां पर कहां है गंगा जी, बता दे गंगा जी की स्टोरी वही है अभी। मैं कहा वहां से आऊंगी, फिजिक्स का स्टूडेंट है आप, वहां से जब गिरेगा पानी तो बोले इतना तेज प्रवाह से गिरेगा, इतनी ऊंचाई है कि धरती तो खत्म ही हो जाएगी, तो कहां कौन इसको संभालेगा। तो पहले मंगाने से पहले वो तो ना कुछ चीज घर में ले आए तो उसका अरेंजमेंट भी होना चाहिए ना पहले। तो बोले पहले मैं आऊं, इससे पहले अरेंजमेंट तो करो, मैं रुकूंगी कहां। तो फिर शंकर जी को प्रसन्न किया, तो शंकर जी ने अपनी जटाओं में स्थान दिया। फिर भगीरथ जी कहते हैं बाबा इसलिए लाए थे कि वो आगे भी जाना है, खोलो कुछ तो। शंकर जी अच्छा ऐसा क्या। तो यही शंकर जी का ग्लोरीज है कि हमें ये क्यों प्रसन्न हुए, शंकर जी क्यों राजी हो गए गंगा, क्यों ये भगवान स्वयं भगवान का चरण धोवन है, चरणामृत है, कभी इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि मैं हमेशा भगवान के चरणामृत को अपने सिर पे लेके धारण कर रहूंगा। तो फिर उन्होंने भागीरथ ने कहा एक तो छोड़, थोड़ा सा निकाला और वही फिर भागीरथ रास्ता दिखाए, गंगा जी आई और जो है सागर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ, वो जगह आज भी है गंगा सागर उसी को कहते हैं। ठीक है, तो महाराजा सागर भागीरथ, फिर इन्हीं के वंश में ये कौन सा वंश चल रहा है, सूर्य वंश। और इसी में चूंकि महाराजा इक्ष्वाकु आए जो बहुत प्रतापी थे, इसलिए इसको कह देते हैं इक्ष्वाकु वंश भी। ठीक है, तो इन्हीं वंश में आगे आए महाराजा खटवांग। एक बार देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई थी, उसमें महाराजा खटवांग इतने प्रतापी राजा थे कि इनको बुलाया गया खटवांग महाराज को लड़ाई में मदद करने के लिए, इन्होंने मदद की, कई सालों लड़ाई चली। लड़ाई खत्म होने के बाद इंद्र कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपको क्या दें बदले में। खटवांग महाराज कहते हैं क्या दे क्या सकते हो, पहले ये बताओ कि समय कितना बाकी है मेरा। तो कहते हैं आपका तो एक क्षण ही बका है, एक मुहूर्त। तो कहते हैं एक मुहूर्त बचा है तो क्या करें, भगवत भक्ति कर लेते हैं इसमें और भगवत धाम जाएंगे। तो एक मुहूर्त में खटवांग महाराज ने भगवान की शरण ली और भगवत धाम की प्राप्ति की। इसलिए शुरू में बताया था ना परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने कि हे महाराजा परीक्षित परेशान मत हो, खटवांग महाराज ने तो एक क्षण में भगवत भक्ति प्राप्त करके भगवत धाम प्राप्त किया, तो आपके पास तो फिर भी 7 दिन है खटवांग महाराज की। फिर इन्हीं खटवांग महाराज के आगे वंश में आए महाराजा रघु, रघुकुल रीत की सदा चली आई। तो यही महाराजा रघु का वंश है। और इस महाराजा रघु के वंश से फिर आगे आए महाराजा अज, अज के पुत्र हुए दशरथ, दशरथ के पुत्र हुए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उनके पुत्र हुए कुश, कुश के फिर आगे वंश में मरु, और फिर आगे अब ये फ्यूचर का बृहद बल, और इसके बाद जो है आगे राजा हुए सुमित्र जो कि सूर्य वंश के अंतिम राजा। इसके बाद जो है इस सूर्यवंश में तो जो श्राद्ध देव के पुत्र इक्ष्वाकु के पुत्र विपुक्षी, उनके भाई थे महाराजा निमि। ये महाराजा निमि की कथा 11वें स्कंद में आएगी। ठीक है, तो ये महाराजा निमि इनके पुत्र हुए महाराजा जनक। तो ये इनका दूसरा नाम हुआ विदेह, क्यों, ये बिल्कुल भी जो है देह से ने मोह नहीं था ना, तो इनने बिल्कुल देह से लगाव नहीं है, बॉडी से कोई लगाव नहीं है, इसलिए इनका नाम पड़ा विदेह। ठीक है, और तो जो महाराजा निमि थे उनके शरीर का मंथन करके इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनका एक नाम पड़ा मैथिली। ठीक है, और मिथिला। तो उसके बाद इन्हीं चूंकि इतने विख्यात हुए महाराजा जनक कि इनके वंश में जो भी राजा होता था उसको जनक ही बुलाते थे। जैसे सुना आपने कभी, है ना, जैसे कोई हमारे तरफ यूपी में जो जमींदार होता था उसके बेटे को भी जमींदारी बुलाते, है ना, या फिर
ठाकुर है तो ठाकुर साहब है, वो पूरा वंश को ऐसे बुलाते हैं। या अच्छा उदाहरण है कि पहले जो प्रधान बन गया ग्राम प्रधान, फिर वो नहीं भी है लेकिन उसके लड़के लड़के सबको प्रधान ही बुलाते हैं। ऐसे ही जनक महाराज इतने प्रसिद्ध हुए कि इनके वंश में जो भी होता था सबको क्या बुलाते थे, जनक। तो इसी वंश में आगे चल के एक राजा हुए सीरध्वज। क्या नाम हुआ? सीरध्वज राजा। ये राजा भी जनक के नाम से जाने जाते थे। और इन्हीं सीरध्वज राजा को जो है हल चलाते समय माता सीता मिली, जिनका नाम हुआ जानकी, ठीक है, या मैथिली। तो वो जनक कहते हैं पर पूरे वंश को जनक कहते हैं, पर पिता का नाम क्या था सीता माता के, सीरध्वज, ठीक है। तो इस तरीके से सूर्य वंश का वर्णन समाप्त हुआ। इसी सूर्य वंश में आती है भगवान राम की पावन कथा। तो महाराजा परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि महाराजा परीक्षित, आप भगवान राम की कथा पहले कई बार सुन चुके हैं, है ना, इसलिए जो है मैं आपको ये कथा शॉर्ट में सुनाऊंगा। कौन बोला? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज। तो ये राम कथा आज ही कहें प्रभु, आज कहें राम कथा कल। कल जो है हम तीन कथा मेन है, एक तो रामायण, दूसरा पुरुरवा ययाति और चंद्रवंश। सूर्यवंश हो गया है, चंद्रवंश जो है जो होगा तो सुन महाराजा ययाति की कथा, पुरुरवा महाराजा ययाति, और उसी चंद्रवंश में भगवान कृष्ण आते हैं। तो चंद्रवंश का वर्णन होगा तो कृष्ण के बारे में चर्चा आएगी।